भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट के मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला। भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी के सामने इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह से पस्त और क्लूलेस नजर आए। कप्तान का आज ये ताबड़तोड़ अंदाज भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि टीम इंडिया एक वक्त 33 रनों पर 3 विकेट गंवाकर स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद रोहित शर्मा नाम का तूफान राजकोट के मैदान पर आया और अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक भी उन्होंने पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 160 गेंदें अब तक खेली हैं, जहां वो 102 रन बनाकर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ रविंद्र जडेजा भी 68 रनों के स्कोर पर नाबाद हैं। दोनों के बीच 150 रनों से ज़्यादा की साझेदारी हो चुकी है। जब ये दोनों बल्लेबाजी करने आए थे तो टीम इंडिया का स्कोर 33 रन पर 3 विकेट हो गया था और टीम स्ट्रगल कर रही थी और मझधार में फंसी हुई थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे से खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया है। अब इसके बाद जिम्मेदारी है कि इस शतक को कप्तान एक बड़े शतक में तब्दील करे। बता दें कि रोहित शर्मा पिछले 8 पारियों से बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे थे। शुरुआत मिलती थी पर उस मौके को भुना नहीं पा रहे थे, चाहे वो साउथ अफ्रीका दौरा हो या फिर पहले 2 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ हैदराबाद और विशाखापट्टनम में खेले गए। लेकिन वेस्टइंडीज़ में जब पिछली बार इन्होंने शतक बनाया था, जब भारतीय टीम 2023 जुलाई में वेस्टइंडीज़ दौरे पर गई थी, और अब रोहित शर्मा के बल्ले से टेस्ट में शतक निकला है और ये उम्मीद है कि ये शतक एक बड़े शतक में तब्दील हो, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त इस सीरीज़ में 1-1 से बराबरी पर खड़ी है और ये श्रृंखला अगर जीतनी है तो तीसरा मैच महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी 2 टेस्ट मैच बचेंगे, पर ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है और आज के मैच में कप्तान ने सामने से लीड करते हुए शतक बनाया और टीम का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद 2 डेब्यूटेंट बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जिसमें सरफराज खान और ध्रुव जुरेल का नाम आता है। वहीं रोहित शर्मा के अलावा कोई भी टीम में ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने 25 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हों। ऐसे में कप्तान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी को अभी तक बखूबी निभाते हुए शतक बना दिया है। अब इस शतक को एक बड़े शतक या दोहरे शतक में कप्तान तब्दील जरूर करना चाहेंगे। ऐसे ही विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।